हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एट स्टडी। कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा हो गए। सो गाइस, देखो अभी जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या शिफ्ट में आया कि किस स्टेट के सीएम कौन, इंडिया के और गवर्नर कौन है, ठीक है। और खास करके करेंसीज क्या है, कैपिटल क्या है, एक एक टॉपिक पे हम वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में हम देख लेंगे गाइस किस सी मतलब किस स्टेट में सीएम कौन है और किस स्टेट में जो गवर्नर कौन है, ठीक है। इस मतलब इस टॉपिक को हम आज ख़त्म ही कर देते हैं, बट सब कौन कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगा, आप याद करते जाना, मैं क्ल्यू दे दूंगा याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, मैंने इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी नहीं की है, बल्कि विकिपीडिया से मैं आपको ओपन करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज अभी बहुत कम टाइम में जो है तैयारी करना मुश्किल होगा, और ख़ास करके जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है 16 सितंबर को, या फिर इसके बाद में चाहे आपका नेवी एमआर का भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ लोग पूछ रहे हैं सर एयरफोर्स में रिपीट करेगा कि नहीं क्वेश्चन। कहीं देखो, अगर अभी हिमाचल प्रदेश का पूछा है तो आगे या तो आंध्र प्रदेश पूछ दे, अरुणाचल प्रदेश कुछ भी पूछ दे, उससे रिलेटेड जरूर पूछेगा। आज जो है वियतनाम का, या फिर अगर कैपिटल पूछता है, करेंसी पूछता है, तो हो सके कल जाके अफगानिस्तान का पूछ दे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में देना, ध्यान में रखना। और चलो, ये हमारा क्या इंडिया स्टेट के सबसे पहले हम सीएम्स के बारे में ही देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखो, पहला नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के हैं हमारे कौन से, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना होगा, ये याद करने का तरीका देखो, ये जो है 2019 में ही बने हैं, खास करके याद जरूर रखना 30 मई 2019 को बने हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है, चाहे एयरफोर्स दो, नेवी एमआर, एसएसआर, डबल ए, आंध्र प्रदेश, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अब याद करने का तरीका बताता हूँ, जगन मोहन, अब मोहित कब हो जाते हो, किसी के प्यार में लोग मोहित हो जाते हैं, और प्यार करने वाले अक्सर अंधे होते हैं, अंधा हो जाते हैं ना प्यार में, अंधा मिस आंध्र प्रदेश, माइंड मत करना इस बात को, बुरा मत लेना, स्टेट में अगर आप रहते हो आंध्र प्रदेश, तो बस याद करने के लिए एक तरीका है, मतलब प्यार में अंधा हो जाना और मोहित हो जाना, जगन मोहन जी ये क्या कर लेते हैं, जग को मोह लेते हैं आंध्र प्रदेश में प्यार में अंधा करके, यू करके आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि भूलोगे ही नहीं। अभी आप छोड़ो, उसे मत याद करो, आपके एग्जाम में आ गया तो आप सही आंसर कर दोगे। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश, प्रेमा खांडू जी हैं, ठीक है, ये बने थे 2016 में अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। तो प्रेमा खांडू जी हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश के कौन है भाई, प्रेमा खांडू जी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, आसाम के कौन है, ये भी 2016 में ही बने हैं, तो ये सर्वनंदा जो है सोनोवाल, ठीक है, सोनोवाल असम में है, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट हमारा बिहार के हैं, ये सीएम जो है बिहार के नीतीश कुमार है, जो भी बिहार यूपी बिहार के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम देते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सभी जगह के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ये सभी जो है स्टूडेंट ज्यादातर प्रिपरेशन करने वाले इंडो स्टेट, दो तीन स्टेट से ज्यादा होते, तो उन्हें ये पता होगा कि बिहार के नीतीश कुमार है, और यूपी के तो आपको पता ही होगा, हमेशा चर्चा में रहते हैं। छत्तीसगढ़, ये 2018 में बने हैं, तो इनको याद करना जरूरी, भूपेश बघेल, ठीक है, बघेल है, छत्तीसगढ़ में कौन से भाई, भूपेश बघेल, ठीक है। चलो, 36, 3 और 6 का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, जिसमें बीबी, देखो बीबी भूपेश बघेल, और आपको पता है बीबी हम लोग जब बोलेंगे तो बीबी और हस्बैंड, इन दोनों में हमेशा कभी कभार 36 का आंकड़ा होता है, ये 36 का आंकड़ा और ये बीबी, समझ, ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो, ठीक है ना। चलो, दिल्ली के अभी हमारे केजरीवाल जी, इनके बारे में तो याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा केजरीवाल जी हैं दिल्ली में। अब गोवा में देखो, इन्हें जरूर याद कर लेना, बिकॉज मनोहर पारिकर के बाद यही बने हैं, प्रमोद सावंत जी, ठीक है, गोवा में सावंत जी हैं, और आपको पता है गोवा में जब बीच के किनारे जाओगे तो बड़ा ही शांत फील होगा, मतलब मज़ा आएगा, तो सावंत जी वहाँ पे शांति फैला रहे हैं बीच के किनारे, यूँ समझ लो, ये याद कर लो। 19 मार्च को बने थे, डेट एग्जैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो 2019 में बने हैं, खास करके उन्हें याद रखना। गुजरात में हमारे विजय रूपाणी जी हैं, ठीक है, रूपाणी जी, ठीक है, रुपए देके रात गुजारना होता है किसी होटल वगैरह में, ठीक है, रूपाणी जी हैं गुजरात, रात अगर कहीं गुजारना है तो होटल में आपको रुपए देने होंगे, ठीक है। चलो, हरियाणा के कौन है भाई, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है ना, हरियाणा, हरियाणवी लोग काफ़ी जब लड़ते हैं ना किसी से तो उनके दांत खट्टे कर देते हैं, ठीक है, खट्टर जी हैं। चलो, अभी नेक्स्ट हमारे हिमाचल प्रदेश, जो कि आज एग्जाम में आ रखा था, जयराम ठाकुर, ठीक है ना, अभी 2017 में ये बने थे, फिर भी एग्जाम में आया, हिमाचल प्रदेश के कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं। चलो, जम्मू एंड कश्मीर में अभी वैकेंट है, बिकॉज पता ही है, अब स्टेट ना रखे क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो झारखंड में रघुबर दास जी, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है रघुबर दास जी, ये 2014 से ही है, मुझे लगता तो नहीं है फिर भी याद कर लो रघुबर दास जी हैं। अभी नेक्स्ट देखो कर्नाटका, ये है बीएस येदियुरप्पा, ठीक है 2019 में ही बने हुए हैं। आप लोग सर ट्रिक व्रिक नहीं बता रहे हो, बस पढ़े जा रहा हूँ, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लो, एग्जाम के लिए वही काफी है, एग्जाम में वही अच्छा कर लोगे आप लोग। कर्नाटका येदियुरप्पा, ठीक है बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटका में कौन है येदियुरप्पा। अभी देखो केरला, केरला में कौन है भाई पिनाराई विजयन, ठीक है ना केरला में कौन है पिनाराई विजयन। और देखो केरला जब खिलाएंगे हम किसी को करेला तो क्या होती है भाई रुलाई आती है, तो पिनाराई और रुलाई, कब रुलाई जब केरला को हमने की खिलाई। चलो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन है कमलनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ, मध्य प्रदेश क्या है बीच में है और बीच में कमल की तरह पुष्प की तरह है और उस पर पूरी क्या है भाई सरस्वती जी विराजमान है, यू करके आप मध्य प्रदेश में कौन है कमलनाथ, ठीक है ऐसे याद रख लो। कमल के बीच में कौन होते हैं तो सरस्वती जी होती है कमल के ऊपर, मतलब कमल के बीच में ही बैठती है ना, तो मध्य प्रदेश मतलब बीच में कमलनाथ। चलो महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फर्नांडिस, सॉरी फर्नांडिस नहीं है फडणवीस है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, देवेंद्र फडणवीस है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलो और महाराष्ट्र पुलिस है भाई उनसे चोर कभी नहीं बचता, पुलिस चोरों की फाड़ के रख देते हैं फडणवीस, ठीक है जहाँ पे फडणवीस जी हैं उस स्टेट की चोरों को पुलिस ने फाड़ के हमेशा रख दिया, वो कौन सा स्टेट है महाराष्ट्र है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर, ये कौन है भाई बीरेन सिंह, ठीक है मणिपुर में बीरेन सिंह है जो कि 17 में बने थे 2017 में, ये पिछली बार एयरफोर्स में आया था, इस बार भी याद कर लेना। अब मणिपुर में मणि दोगे तो क्या एक बिरहा सॉन्ग होता है, वो बिरहा सॉन्ग सुनाएंगे, ठीक है मणिपुरी लोग, और काफ़ी वहाँ का सॉन्ग होता है अच्छा होता है। बिरहा सॉन्ग जो है मणिपुर का नहीं है फिर भी एक सॉन्ग का नाम है, तो मैंने रिलेट करने के लिए बोल दिया मणिपुर बीरेन सिंह। सरसरी निगाह से और एक बार कान में आपके पास चला जाएगा, रिकॉल हो जाएगा ना, तो फिर आपको एग्जाम में इजीली आप रिकॉल करके आंसर कर दोगे। मेघालय में कौन भाई संगमा, ठीक है कॉनराड संगमा जी हैं, ठीक है मेघालय मतलब मेघ, मेघ मतलब बादल, और पृथ्वी और मेघ का संगम होते देखा है आपने ना, दूर से लगता है ना आसमान और पृथ्वी का संगम हो रहा है मेघालय, वही मेघों का और पृथ्वी का संगम, यहाँ पे संगम होगा कब जब सीएम बने हैं संगमा जी, ठीक है कॉनराड संगमा जी, चलो याद कर लो और खास करके याद जरूर करना बिकॉज ये 2018 में ही बने हुए हैं। मिजोरम में है जोरमथंगा जी, ठीक है मिजोरम जोरमथंगा, ये तो आपको याद हो जाएगा मिजोरम जोरम, ठीक है दोनों में जोरम जोरम आ रहा है तो आपको पता होगा, ये 2018 में बने लास्ट में 2018 के तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नागालैंड नेफ्यूरियो, नागालैंड में भी क्या है एन ए से स्टार्ट है और ये भी क्या है नेफ्यूरिगो में भी ये एन से स्टार्ट है, इनके नाम से ही आप आंसर कर दोगे नेफ्यूरियो। ओडिशा में है नवीन पटनायक जी, ठीक है आप तो बोलोगे सर ये भी एन से है लेकिन फिर भी नागालैंड काफ़ी हम लोगों के लिए जो साइड में थोड़ा पड़ जाता है और वहाँ का जो नाम है हम लोगों से ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है तो आप इजिली आप आंसर कर दोगे कि वहाँ नवीन पटनायक नहीं होंगे, ठीक है नेफ्यूरियो जी हैं। ओडिशा में है नवीन पटनायक जी, ठीक है चलो ये 2000 लगभग 19 साल से हैं, ठीक है ना चलो मतलब हर बार जीतते आ रहे। पुदुचेरी में कौन है भाई देखो तो वी नारायण स्वामी जी हैं, पुदुचेरी में कौन है नारायण स्वामी, पुदुचेरी लास्ट में वाई, इनमें भी लास्ट में वाई, ठीक है। पंजाब में है अमरिंदर सिंह, ठीक है पंजाब में अमरिंदर सिंह, इनके बारे में आपको बहुत अच्छा से पता होगा। राजस्थान में है अशोक गहलोत, ठीक है राजस्थान में कौन है भाई अशोक गहलोत जी हैं। सिक्किम में है प्रेम सिंह तमंग, ठीक है चलो सिक्किम और तमंग, सिक्किम जब लिखते हो हिंदी में आप तो सिक्किम और तमंग ऐसे करके आप लिखते हो ना तो थोड़ा सा अजीब टाइप से लिखाएगा आपका, मतलब दोनों में आधा आधा आ रहा है, सिक्किम में आधा का फिर पूरा का, तमंग जब लिखोगे उसमें भी आधा म एन जी, ठीक है मतलब ऐसे करके आएगा, मतलब एक रिलेट कर लो आपको थोड़ा सा देख लो अच्छे से कि कैसे लिखा गया एग्ज़ाम में आएगा तो किस तरीके से हम क्या करेंगे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिक्किम मोला बिकॉज ये 2019 में ही बने तो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। प्रेम सिंह तमंग जो है 2019 में बने तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन इडप्पी के पलानी स्वामी, तमिलनाडु में कौन भाई देखो तमिलनाडु, ठीक है इडप्पाड़ी, ठीक है ऐसे करके आप याद कर लो
तमिलनाडु, ये भी थोड़ा बोलने में ड ड आ रहा है बार बार, इसमें भी क्या इडप पार्टी जी। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, ठीक है। जब भी चंद्रशेखर आजाद से कोई लड़ता था ना तो उसे तेल लेने भेज देते थे, वो इतना पीटते थे वो, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन है गाइस, अभी हम देख लेते हैं। पहले तेलंगाना में जो बने थे वो 2014 में ही बने थे, अब त्रिपुरा में देखो वो कौन है, बिप्लब कुमार देव, ठीक है। बिप्लब कुमार देव जो है त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में तो पता आपको योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ पे भाई, उत्तराखंड में है। और वेस्ट बंगाल में तो पता ही आप सभी को ममता बनर्जी, जो कि हमेशा चर्चा में रहती हैं, ठीक है। तो ये अभी हो गया, अब अभी हम सीएम देख लेते हैं। सॉरी, सीएम तो हमने देख ही लिया, अभी हम गवर्नर देख लेते हैं, ठीक है। सीएम तो हम लोग जस्ट पढ़ लिए, अभी गवर्नर के बारे में देख लो। गवर्नर मैं सबको नहीं बताऊंगा, ठीक है, गवर्नर उन्हीं को बताऊंगा जो 2019 में बने हुए हैं हाल फिलहाल में, ठीक है ना, जो चेंज हुए। अभी देखो 2019 के लिए पहला इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में कौन, बिश्वभूषण हरिश्चंद्र जी, बिश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के अभी बताओ कि सीएम कौन थे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब अंधा हो जाते हैं कब, प्यार में जब कोई मोहित कर लेता है, जगन मोहन जी है, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लो। ये अभी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना 2017 वाला भी, मैं सिर्फ 2019 वाला बताऊंगा। बिहार के भी चेंज हुए हैं, गवर्नर फागु चौहान, ठीक है। बिहार में कौन है भाई, फागु चौहान, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी छत्तीसगढ़ के भी चेंज हुए हैं, ये कौन है, अनुसुईया उके करके नाम है लेडी है, अनुसुईया जी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में 2019 में ये भी बनी हुई है, ठीक है। फिर से ये देखो, गुजरात में भी 2019 के बने हुए हैं आचार्य देवव्रत, ये सभी गवर्नर है, आचार्य देवव्रत जो है गुजरात में बने हुए हैं, आचार्य और गुजरात। अभी देख लो फिर 2019 में बने हुए हिमाचल प्रदेश के भी बने हुए हैं, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश का याद करना, बिकॉज सीएम पूछा गया, ठीक है। मंडारू दत्तात्रेया करके कुछ नाम है, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लेना, नाम पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली दत्तात्रेया नाम है इनका, हिमाचल प्रदेश के हैं। अभी 2019 में नेक्स्ट देख लो कौन है, केरला के भी चेंज हुए हैं, अरिफ मोहम्मद खान, अरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं भाई, ये केरला के गवर्नर हैं, ठीक है। अभी 2019 में मध्य प्रदेश के भी हुए, लालजी टंडन जी है, मध्य प्रदेश में लालजी चले गए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था ना कि मध्य प्रदेश के बारे में बताया था, कमल से रिलेटेड करके बताया था कि बीच में सरस्वती जी होती हैं, कमलनाथ जी थे मध्य प्रदेश के, क्या थे, सीएम थे, और कमल गुलाबी या फिर लाल ऐसे ही होता है, तो कमल जी और गवर्नर है लाल जी, ठीक है। चलो महाराष्ट्र में तो 2019 में ही बने थे भगत सिंह, ठीक है। चलो महाराष्ट्र के कौन, भगत सिंह करके नाम है, कोश्यारी करके नाम उनका, गवर्नर है। मिजोरम के हैं जगदीश मुखी, अभी देखो पहले सीएम में मिजो करके ही नाम था उनका सीएम का, और जगदीश मुखी, ये भी मुखी जो है मिजोरम के ही हैं, 19 में बने हुए। फिर 19 में बने हुए आर एन रवि जी हैं नागालैंड के, ठीक है, आर एन रवि नागालैंड के। फिर आपके 2019 में चेंज हुए ये राजस्थान के, कलराज मिश्रा जी, कलराज मिश्रा जी कहाँ के हैं भाई, राजस्थान के हैं, ठीक है। कलराज सीएम में देखो राज, सॉरी गवर्नर में राज, और इनमें भी ये क्या राज, राजस्थान और राजस्थान, ठीक है। अभी फिर 2019 में आपकी ये बनी है, तेलंगाना की हैं, तमिल साई जी हैं, ठीक है, और इनका पूरा नाम है तमिल साई सौंदरजन, ठीक है, सुंदरा रजन इनका पूरा नाम है, सुंदरा रजन। इसके बाद हम देख लो कि रमेश बेस जो है त्रिपुरा के हैं, और इंपॉर्टेंट क्या भाई, हाँ उत्तर प्रदेश का देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। और फिर वेस्ट बंगाल की बेन जगदीप धनकर, तो ये उत्तर प्रदेश का याद करना एक बार, सॉरी उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश का आप याद करना, आनंदीबेन पटेल, और वेस्ट बंगाल के हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि सभी को पसंद नहीं आएगा, फिर भी जिसको एग्जाम में स्कोर करना है, इनको पहले से पढ़ा नहीं होगा, एक बार आपको रिकॉल मैंने करा दिया, उम्मीद है कि अगर ऑप्शन आएगा तो आप एग्जाम में सही कर जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, कैपिटल करेंसी ये सभी वीडियो को लेके हम।